हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि गुप्ता टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए किस प्रकार से थंबनेल एडिट करें या थंबनेल बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब के वीडियो के साथ साथ आपको थंबनेल बनाना आना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको थंबनेल जब तक इंप्रेसिव और इंटरेक्टिव नहीं होगा या कैचि थंबनेल नहीं होगा तो लोग आपके वीडियो में एंटर करेंगे नहीं, क्योंकि लोग सबसे जो पहला इंप्रेशन होता है वो थंबनेल का होता है। तो थंबनेल आप किस प्रकार से बनाते हैं आज हम आपको बताएंगे पिक्सल आर्ट्स के बारे में, सॉरी दोस्तों पिक्स आर्ट्स के बारे में, क्योंकि पिक्सल लैब से भी थंबनेल बनाया जाता है या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप थंबनेल बनाते हैं, लेकिन पिक्सल आर्ट भी एक ऐप है जिससे आप थंबनेल बनाते हैं। और तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पिक्सल आर्ट से किस प्रकार से थंबनेल बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप अपने पिक्सल आर्ट को ओपन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप प्ले स्टोर से सिंपल पिक्स आर्ट ले लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जाएंगे हम प्लस पॉइंट पे जहाँ लिखा हुआ नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसमें जो अलग अलग ऑप्शन है काफ़ी सारे, जैसे कि एडिट ए फ़ोटो में आप इसे अपने फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, आप इसे अपने फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, एडिट ए वीडियो में अपने कोई सी वीडियो को आप इसमें एडिट करते हैं, मैं के कॉलेज में इसमें तीन या चार फ़ोटो का पेयर बना करके आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लोड कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में आप अपने किसी भी फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को इरेज करके आप उसमें नया फ़ोटो सेट कर सकते हैं। और अप्लाई इफेक्ट में आपने किसी भी फ़ोटो के ऊपर शार्प लाइट या कॉन्ट्रास्ट कलर वलर का इफेक्ट दे करके आप अपने फ़ोटोज़ को यूनिक कर सकते हैं एफएक्स में। और ब्यूटी में आपने किसी भी फ़ोटोज़ को ब्यूटी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस में मिलते हैं आप उससे अपने फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आपके अलग अलग ऑप्शन हैं। हम जाएंगे सिंपल बैकग्राउंड में, उसके बाद इसमें कुछ सेलेक्टेड कलर दिए हुए हैं, इसमें से आप अपने बैकग्राउंड के लिए कोई से भी कलर ले सकते हैं, या आप यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, काफ़ी सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो हमें सिंपल एक कलर लेना है, तो मैं सिंपल कोई सा भी कलर ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि अगर आपको कोई नया कलर बनाना है, यूनिक कलर बनाना है आपको थंबनेल के लिए, तो आप यहाँ पे जाते हैं। इसमें ओके करने के बाद आपको इसमें काफ़ी सारे मैनुअल कलर मिल जाएंगे जिससे आप अपने थंबनेल के लिए कलर बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ आप पर्पल और इसे थोड़ा लाइट कर देता हूँ ये, और यहाँ पर राइट का निशान है इस पर क्लिक कर देंगे तो मेरा ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। ये थोड़ा ऐड चल रहा है, तो ये कलर जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ चुका है यहाँ पे, जो मैंने बनाया था वहाँ पे। और अब हम इसे YouTube का फ्रेम देंगे, मतलब YouTube का जो जिस साइज़ का YouTube का थंबनेल होता है हमें उस साइज़ में बनाना है। तो हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे क्रॉप में, और क्रॉप में करने के बाद इसमें काफ़ी सारे साइज़ दिए हुए हैं, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या स्टोरी लगानी हो, पोस्ट करना हो, उन सब का इसमें यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। तो हमें नॉर्मल YouTube का थंबनेल बनाना है, तो YouTube वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ये आपका ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ले लेगा जो YouTube के थंबनेल का होता है, और यहाँ पे हम राइट का निशान है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई सा ही फ़ोटो ले लेना, जो भी आपने स्क्रीनशॉट या फ़ोटो आपने कैप्चर किया हो अपने थंबनेल के लिए। हम जाएंगे ऐड फ़ोटो में और अपना कोई सा ही फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, इसको हम इरेज कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हमें जाना है नीचे, जो काफ़ी सारे से मेन्यूज़ है इसमें आपको एक तो पहले रिप्लेस का दिया हुआ है, फिर ओपासिटी का है, क्रॉप का है, फिर फ्लिप रोटेट का है, यहाँ से आप अपने फ़ोटो को रोटेट करते हैं, और ये है कटआउट, इस पर हम जाएंगे और पर्सन पर क्लिक करेंगे। पर्सन मतलब जो मेरा फ़ोटो है ये पर्सन में आता है, तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ पर्सन में, क्लिक हमने कर लिया हुआ, जिसका बैकग्राउंड जो रेड नहीं हुआ है वो इरेज हो जाएगा। तो हम इसे पहले सफाई से थोड़ा कर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोटो है वो आ चुका है बैकग्राउंड इरेज होकर के, थोड़ा सा ये बैक रह गया है, इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं इरेज के द्वारा। तो हमने इस तरह से अपना जो है बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा हम बॉर्डर देंगे,
तो नीचे जाएंगे और ये देख रहे हैं बॉर्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। इसे इस प्रकार से लगा लेंगे। अब हम दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से, या चलो आपको थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ, स्टिकर ले लेते हैं यहाँ से, ये हम स्टिकर पे सेलेक्ट करेंगे, पिक्स आर्ट लिखेंगे यहाँ पे, पिक्स आर्ट लोगो। तो इसमें काफ़ी सारे पिक्स आर्ट लोगो आ चुका है, हम यहाँ से करेंगे डाउनलोड। इस प्रकार से हम लोगो डाउनलोड करके हम यहाँ लगा देंगे साइड में। हमें इस पे थंबनेल बनाना है, पिक्स आर्ट से ही रिलेटेड बनाना है हमें, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ये, हाँ ठीक रहेगा। अब हम दूसरा फ़ोटो ले लेंगे अपना, दूसरा फ़ोटो भी हम इसी प्रकार से ले लेंगे, इसको भी हम इस प्रकार से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब बैकग्राउंड जो इसका है वो हम इसे इरेज कर लेंगे नीचे इसमें कटआउट में। इसके बाद हम पर्सन सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से कर देंगे क्लिक, राइट क्लिक, और ये भी हमारा हो चुका है इरेज। दोस्तों बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको एक दो बार लगेगा सीखने में। और बॉर्डर इसे हम बॉर्डर दे देंगे, इस तरह से हम अपने फ़ोटो को लगाते हैं। दोस्तों थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कारण आपको थोड़ा सही से नहीं दिखा रहा बना करके, बाकी आप अपने हिसाब से आराम से बनाते हैं। स्टिकर ले लेंगे, यहाँ पे हम ये डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ लगा देते हैं इस तरफ से, सॉरी यहाँ लगा देते, यहाँ से ही रहेगा। थोड़ा तो उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका हम थोड़ा सा इस प्रकार से हम इसे कर लेते हैं। अब और स्टिकर लेंगे, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, काफ़ी सही लग रहा देखने में। इसमें आप कोई सा स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं उसका नाम लिख करके, या आप इस प्रकार से यहाँ पे इसमें कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी थंबनेल के बारे में, जो भी आपकी वीडियो हो उसका आप नाम, मतलब जो भी आपने वीडियो बनाया हो उसका आप नाम दे देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने पिक्सआर्ट के ऊपर बनाया था थंबनेल कैसे बनाएं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या करेंगे हम, नॉर्मली हम इसको राइट क्लिक कर देंगे यहाँ से और टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद लिखेंगे हाउ टू मेक थंब नेल, जैसे इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसे कलर दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों को देख रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप अपने जो कि इसका जो लेटर है इसको आप चेंज करते हो, जैसे कि इसको ऐसे करते हो या इस प्रकार से, या अलग अलग प्रकार से इसमें डिजाइन दिए हुए हैं, तो आप इसमें ऐसे करते हो। तो मैं ई वाला देता हूँ, ये वाला सही लग रहा है देखने में। और इसको हम वाइट से थोड़ा दूसरा कलर दे देंगे, ताकि थोड़ा ये जो लिखा हुआ है वो अलग दिखे। कलर में जाएंगे हम, और जैसे कि ये कलर रेड कलर, ये थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये कलर दे देंगे। और तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं। मैंने आपको थोड़ा जल्दी कारण ऐसे बना कर दिखाया, आप इससे भी अच्छा डिज़ाइन करते हैं, बस आपको 4 या 5 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है थंबनेल में। 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप पिक्स आर्ट से थंबनेल यूनिक बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया। मेरा इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मैंने थोड़ा जल्दी में आपको समझाया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप अपने हिसाब से आराम से बैठ करके एक पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आराम से बैठ के आप अपने थंबनेल को डिज़ाइन कीजिए। ये भी दोस्तों एक प्रकार का आर्ट्स है थंबनेल डिज़ाइन करना। तो अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप आगे किसी भी यूट्यूबर का थंबनेल कुछ रुपये चार्ज करके, या उससे आप थंबनेल बना करके आप उसे बेच सकते हैं, या अपने यूट्यूब के लिए अच्छा से अच्छा थंबनेल आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से थंबनेल मैंने बनाया है, आप दे सकते हैं। और हम इसे बाकी हम इसे फाइनल कर देते हैं, यहाँ से पूरा राइट कर देते हैं,
ये हमारा दोस्तों यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने किस तरह से मैंने थंबनेल डिज़ाइन किया। इस प्रकार से आप भी अपने वीडियोस के लिए, अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों थोड़ा मैंने टाइम के कारण जल्दी जल्दी थंबनेल को मैंने डिज़ाइन किया है, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करके आप थंबनेल को डिज़ाइन करते हो।